डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमरीत चौधरी, पीजीटी हिस्ट्री फ्रॉम केवी नंबर 2 अखनूर, जम्मू रीजन. जम्मू रीजन हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट यू ए वीडियो ऑन द टॉपिक किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द थीम्स किंग्स एंड क्रॉनिकल्स. डियर स्टूडेंट्स, इन अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द establishment of Mughal rule or Mughal dynasty. Then we have discussed about the manuscript we have discussed about the production of chronicles and how the rulers of the time established the translation department, and so many books were translated into Persian language and in other language which is written into Hindi or Sanskrit languages. So dear students, in earlier video we have also discussed about the manuscript and the production of chronicles. Dear students, today we will discuss about the painted image. The painted image. Students, manuscripts and chronicles described events of Mughal period in the visual form. When scenes and themes in a book were to be given visual expression, the scribe left blank spaces on nearby pages. These paintings were miniatures and made nearby the themes. These paintings enhanced the beauty of the book and believed that paintings possessed special powers of communicating ideas about kingdom and the power of kings. Abul Fazl described painting as a magical art. Dear students, basically in Islam, arts, music, this type of things is prohibited, but through the given period we have seen so many such cultural activities was being done. Paintings portraying the emperor, his court and the people was a source of constant tension, because Muslim orthodoxy believed that the portrayal of a human being is prohibited and against the Quran as well as the Hadith. Dear students, Hadith aur Quran mein jo ayatein di gayi hain usme human being ki jo paintings usko banana prohibited kiya gaya hai. ये एक टेंशन का काम था, इस एक जो इशू था, ये टेंशन इससे टेंशन होती थी, टसल होती थी. दे बिलीव दैट द आर्टिस्ट सीक टू अप्रोप्रिएट द क्रिएशन पावर ऑफ गॉड, अप्रोप्रिएट द क्रिएशन पावर ऑफ गॉड दैट इज अल्लाह, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ गॉड. जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी उनका मानना था कि क्रिएशन जो है वो केवल अल्लाह का काम है, ये गॉड का काम है, एंड नोबडी इज एबल टू क्रिएट द थिंग्स. वो कोई भी, चाहे वो पिक्चर हो या और दूसरी चीज़ें हो, क्रिएशन का जो काम है वो किसका होगा, गॉड का होगा, दैट इज़ अल्लाह. मुगल रूलर्स पैट्रनाइज्ड आर्टिस्ट. हुमायूं वाज एकम्पेन्ड बाई टू आर्टिस्ट, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, व्हेन ही वाज कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम ईरान. When he forced to Iran, he forced to Iran by the Sir Suri, then he seek protection from Iranian rulers, and he Iranian ruler was gave him the protection. So at that time Humayun ने क्या किया कि वहाँ से जब वो इंडिया आते हैं, तो इंडिया आने के समय में उन्होंने उनके साथ में अपने साथ दो
पेंटर लेकर आए हैं वो मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो उस समय पर लिखी गई, जैसे एक तरफ मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा बुक और ऑथर का नाम, जैसे अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, बादशाहनामा वाज रोड बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, एंड चार सिमन दिस बुक वाज रिटन बाय चंद्रभान। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज द आइडियल किंगडम, आदर्श राज्य। यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे डिवाइन लाइट। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था डिवाइनिटी का कंसेप्ट, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जो आपका नाइन्थ चैप्टर है, इसमें जब अकबर के द्वारा अपना रूल कंसोलिडेट किया गया तो उन्होंने एक कंसेप्ट लाया जिसको हम उनके राजत्व सिद्धांत की बात करते हैं, तो आइडियल किंगडम में जो उनका एक किंगशिप का जो उनका प्रिंसिपल था, उसने उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिवाइनिटी का कॉन्सेप्ट। अबुल फजल डिफाइन द आइडिया ऑफ किंगशिप इन द रीन ऑफ द ग्रेट एम्परर अकबर। द सोर्सेज ऑफ द आइडिया ऑफ किंगशिप फाउंड इन मैनी क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल कोर्ट। अबुल फजल वॉज इंस्पायर्ड बाई द फेमस ईरानियन सूफी शहाबुद्दीन सुहरावर्दी वो फर्स्ट डेवलप्ड दिस आइडिया। एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा ये डिवाइनिटी का कंसेप्ट लाया गया। एंड देयर आर सो मैनी रेफरेंसेस। अबुल फजल डिफाइंड द आइडिया ऑफ किंगशिप एज फर ए इज दी, विच मीन्स द डिवाइन लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम द गॉड। This divine light is first received by the king who is at the higher order of the hierarchy in the administration. For a is the, जिसको कहा गया कि ईश्वरीय प्रकाश। इसमें कहा गया कि divine light जो है वो कहाँ से आती है, emanating, that is emanating from the god. And this divine light is first received by the king. King के द्वारा इसको receive किया जाता है, क्यों, क्योंकि वह ही is the He is at the higher order of the hierarchy in the administration. After receiving of divine light, king transmitted it to his subjects and became the source of spiritual guidance for them. Mughal artists began to portray emperor from the 17th century wearing the halo which he saw on the European paintings of क्राइस्ट एंड द वर्जिन मैरी टू सिम्बलाइज द लाइट ऑफ गॉड। आपने देखा होगा जो सेंट्स होते हैं या प्रीस्ट होते हैं, कभी कभी जैसे आप देखें गुरु नानक जी की अगर आप फोटो देखें, पिक्चर देखें, तो उसके पीछे एक हॉलो बना होता है, यानी एक लालिमा सी बनी होती है, सूर्य का प्रकाश बना होता है। तो ठीक इसी तरह उसमें दिखाया गया सभी जगह जहाँ भी एम्परर को दिखाने पोर्ट्रे किया जाता था, तो ये सूर्य का जो प्रकाश था वो आते हुए दिखाए जा रहे हैं। क्या, क्यों, क्योंकि डिवाइन लाइट जो है वो किस पर आती है, सबसे पहले राजा पर, यानी एम्परर पर। बिकॉज ऑफ द किंगशिप थ्योरी ऑफ अकबर थ्योरी ऑफ किंगशिप नो वन कुड क्लेम द राइट ऑन थ्रोन एंड अकबर सिक्योर इट फॉर देयर डिसेंडेंट्स। अकबर ने जो ये थ्योरी दी, इसका सबसे पहले इसके कारण क्या था, इसका कारण ये था कि कोई भी व्यक्ति, दूसरा कोई भी व्यक्ति राजा की जो गद्दी है उस पर क्लेम ना कर सके। ये स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब बाबर फरगना से आते हैं तो उनकी आपस में टसल होती है, वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, क्लैन होते हैं, कबीले होते हैं, और वो एक दूसरे कबीलाई जो कल्चर होती है वो एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, इसलिए कोई भी उनसे बड़ा नहीं हो सकता और कोई छोटा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कोई राजा नहीं हो सकता था, कोई भी बड़ा नहीं हो सकता था। इसी कारण से अकबर ने ये इस तरह का कंसेप्ट दिया जिसको अबुल फजल ने पूरी तरह से एक तरह से उसको फंक्शनलाइज किया, उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। इस तरह से राजा को बनाने का काम यहाँ पर शुरू होता है, और आने वाले 350 साल में आप देखें कोई भी व्यक्ति राजा की गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं समझा गया जो मुगल डायनेस्टी से अलग हो।
इट हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग ऑफ मुगल एम्पायर एंड मेड स्टेबल द एम्पायर। इसने हेल्प की लॉन्ग टाइम तक कि ये मुगल रूल को, मुगल एम्पायर को एक्सपेंड करें और उसको स्टेबल बनाने का काम इस तरह के जो कंसेप्ट दिया गया उसने किया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ए यूनिफाइंग फोर्स। मुगल एम्पायर कंप्राइजिंग मैनी एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स, हिंदू, जैन, मुस्लिम्स। एम्परर वॉज द सोर्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एंड स्टूड अबव ऑल एथनिक ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट्स, देर वर सो मैनी एथनिक ग्रुप्स इन द मुगल एम्पायर। एम्परर एंश्योर्ड द जस्टिस एंड पीस अमंग द डिफरेंट एथनिक ग्रुप। बेसिकली जो एम्परर था उसका ये काम था कि अपनी जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं उसमें वो जस्टिस और पीस को एंश्योर करें। टू एंश्योर जस्टिस एंड पीस, अबुल फजल गेव द आइडल ऑफ सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस, विच मीन्स एब्सोल्यूट पीस, पूर्ण शांति। अकॉर्डिंग टू सुलह कुल, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट दे कुड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की हमें आज़ादी दी गई है, उसी तरह से उस समय भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है थी, बट कोई भी व्यक्ति अथॉरिटी यानी सत्ता को अंडरमाइन नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज जैसे हम देखते हैं, आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंच सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, बट उस समय एक्सप्रेशन की फ्रीडम है बट ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच सकते। द आइडिया ऑफ सुलह कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जा गई। मुगल नोबिलिटी कंप्राइज्ड ऑफ मैनी एथनिक ग्रुप्स, ईरानीज, तुरानीज, अफगान्स, राजपूत, डकैनियंस, साउथ इंडियन जिसको हम कहते हैं, डेक्कन प्लेटू से आपने पढ़ा होगा 8th, 9th और 10th क्लास में भी। तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से उन्होंने अपनी नोबिलिटी, जो उच्च पदों पर लोग होते हैं जिनको मनसबदार कहते हैं, जैसे आज के IAS होते हैं, ठीक उस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। ऑल ऑफ देम वर गिवन पोजिशंस एंड अवार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस एंड लॉयल्टी टू द किंग। उनको क्या किया जाता था, उनको पोजिशन और अवार्ड दिए जाते थे उनकी सर्विस के बेस पर, और उनकी लॉयल्टी वो कितने राजा के प्रति यानी एम्परर के प्रति लॉयल है, ईमानदार। अकबर एबोलिस्ट, अब यहाँ पर क्या किया गया, जो सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति की जो पॉलिसी थी उसके लिए कुछ और काम किए गए अकबर के द्वारा। जैसे अकबर एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563 एंड जजिया टैक्स इन 1564 दैट वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थ यात्रा कर जो लिया जाता था हिंदुओं से, उसको अकबर ने हटाया। एंड 1564 में जजिया कर लिया जाता था हिंदुओं से, या जो प्रोटेक्टेड लोग थे उसे जजिया कर लिया जाता था जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित था। ऑल मुगल एम्परर गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इस तरह के जितने भी काम थे उस जो एम्परर के द्वारा किए गए, उससे सुलह किल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिली। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सोवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में रूसो के बारे में, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि राजा जो है वो किसकी सहमति से बनता है, राजा बनता है आम जनता की सहमति से, और वो क्या करता है, ही प्रोवाइड प्रोटेक्शन थ्रू देयर सब्जेक्ट्स। यहाँ ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था राजा और प्रजा के बीच में, एम्परर एंड इन बिटवीन देयर सब्जेक्ट्स। अबुल फजल डिफाइंड सोवरेनिटी एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अबुल फजल ने भी जो सोवरेनिटी, जो सत्ता है, जो उच्च पद है, उसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, एम्परर प्रोटेक्ट्स द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अबुल फजल ये कहते हैं कि राजा क्या करेगा, एम्परर क्या करेगा, वो अपने सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के चार एसेंस को वो प्रोटेक्ट करेगा, लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ, दीन।
ईमान। इन रिटर्न ही डिमांड्स ओबीडियंस एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज। जैसे रूसो कहता है कि राजा को प्रजा क्या करेगी, कर्ज एक टैक्स पे करेगी और राजा उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक इसी तरह राजा यहाँ पर क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राजा लाइफ प्रॉपर्टी ऑनर एंड फेथ, एंड इन रिटर्न ही डिमांड्स ओबीडियंस एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज। यानी टैक्स आप कह सकते हैं, शेयर ऑफ रिसोर्सेज और ओबीडियंस यानी आज्ञा उसकी मानी जाएगी। सोवरेन यानी किंग बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। यहाँ पर राजा क्या करेगा, डिवाइन गाइडेंस देगा किसको, जनता को। ए नंबर ऑफ सिंबल वर क्रिएटेड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। फेवरेट सिंबल यूज्ड बाय द आर्टिस्ट द मोटिव ऑफ ए लायन एंड द लैम्ब और काउ पीसफुली लिविंग टुगेदर। यहाँ पर आप देखें इस पर एक केस हिस्ट्री भी आती है जो जहांगीर के समय में दिखाया गया कि एक जहाँ एक लायन और लैम्ब एक साथ रहते हैं, पीसफुली लिव टुगेदर। इसी तरह से आप देखें यहाँ पर फेवरेट सिंबल क्या दिया गया कि लायन एंड लैम्ब जो है वो एक साथ रहते हैं, यानी काउ और शेर एक साथ रहने की स्थिति में वहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, मुगल रूलर्स अकोमोडेट सो मैनी एथनिक ग्रुप्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, शुड ही प्रोवाइडेड टाइटल्स एंड गिफ्ट्स टू देयर नोबल्स। ग्रैंड टाइटल्स वर अडोप्टेड बाई द मुगल एम्परर्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर ए विक्ट्री ओवर एन एनिमी। यहाँ तक कि जब राजा कोई किसी को डिफीट करता था या उसका कोरोनेशन होता था तो वो बड़े बड़े पद उसको धारण करता था। जैसे आपने अकबर के बारे में देखा होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, औरंगजेब भी इसी तरह से, जहांगीर, सभी ने बड़े बड़े नाम अपने नाम के साथ लगाए। दिस वॉज सोन इन द कॉइन्स ऑफ मुगल्स। जहांगीर इशूड कॉइन्स विद पिक्चर ऑफ नूर जहाँ एंड हिमसेल्फ एंड देयर टाइटल्स। आप देखेंगे नूर उस जहांगीर के समय के जो सिक्के जारी किए गए हैं, जो इशू किए गए हैं, उन पर उनकी पिक्चर दिखाई देती है और नूर जहाँ की पिक्चर भी उस पर दिखाई देती है, उसमें टाइटल्स भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह से जो ये टाइटल्स थे उनके कॉइन्स में भी इसको दिखाया गया है। ये दूसरों पर प्रभाव डालने का भी एक तरीका था। ग्रांटिंग टाइटल्स टू मैन ऑफ मेरिट वाज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल नोबिलिटी। उस समय के जो लर्न लोग थे, जो अच्छे काम करने वाले लोग थे, जो मेरिटोरियस थे, उनको टाइटल्स ग्रांट किए गए। द टाइटल ऑफ आसफ खां वॉज गिवन टू द हाइएस्ट मिनिस्टर। दिस टाइटल वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लीजेंडरी मिनिस्टर ऑफ द प्रोफेट किंग सुलेमान, सोलोमन किंग जिसको कहा जाता है। वहाँ उनके जो लीजेंडरी मिनिस्टर थे वहाँ से आसफ खान की उपाधि जो थी, ये टाइटल लिया गया और इसको हाइएस्ट मिनिस्टर को दिया जाता था। द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा वॉज अकॉर्डेड बाई औरंगजेब टू हिज टू हाइएस्ट रैंकिंग नोबल्स, जयसिंह एंड जसवंत सिंह। मिर्जा राजा की उपाधि जो थी वो जयसिंह और जसवंत सिंह को दी गई। दिस कुड बी टाइटल्स कुड बी अर्न और पेड फॉर। यहाँ पर जो टाइटल्स है वो दो तरह से, या तो अर्न किए गए या उनको पेड किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये एक हमने कुछ इस चैप्टर के टॉपिक्स जो है वो क्लियर किए हैं। आई होप आपसे आपको इससे एक समझ बनी होगी और आप इस पर एक अच्छे आंसर से आप इस पर कर पाएंगे। थैंक यू।